हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, हम लोग एडिशन वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं और सारा हेड टू टेल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड आपको डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन का ही एक फॉर्म है। बस ये करते हैं कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, हम इस नंबर का निगेटिव ले लेते हैं और पहली नंबर में ऐड कर लेते हैं, दूसरे नंबर में ऐड कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको क्या करना है, अगर 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे बोलते हैं ना कि 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, 9 का निगेटिव ले लेंगे और 15 में ऐड कर देंगे, ठीक है। और निगेटिव आप जानते हैं, नंबर लाइन पर आप अगर 0 के इस साइड पॉजिटिव है, यहाँ प्लस 9 है, तो उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ क्या होगा, माइनस 9 होगा। तो उसके नेगेटिव को लेकर के ऐड कर लेते हैं 15 में। तो 15 माइनस 9 जब कहते हैं, इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि 15 में ऐड किसको करना है, माइनस 9 को। तो 15 प्लस माइनस 9, इसका मीनिंग यही होता है। तो वैसे ही यहाँ पर वेक्टर्स में जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो या चेंज फाइंड आउट करना है, तब हम ये काम करते हैं। तो ऐसे केस में जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको रिवर्स ले लेते हैं, उसका नेगेटिव ले लेते हैं, मीन्स अपोजिट वेक्टर ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर में से इसको ऐड, दूसरे वेक्टर में इस नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टेड वैल्यू मिल जाती है। तो आइए हम इसी पर बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है। दिस इज एडिशन विद नेगेटिव साइन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एडिशन ऑफ अ वेक्टर with negative of it to another vector. Okay, तो यही होगा। So this is addition of a vector with negative sign or with negative of it to another vector, कि खुद इसके अपने नेगेटिव को एक और दूसरे वेक्टर में ऐड करना है, करने को हम बोलते हैं कि ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो अगर दो वेक्टर हैं और यहाँ पर एक वेक्टर, यहाँ आप मान लेते हैं वेक्टर m है, कुछ और सिंबल यूज़ कर लें, ऐसे तो बहुत सारे सिंबल आप यूज़ करते हैं, और यू आर गिवन अनदर वेक्टर n हियर, ओके, सो दिस इज वेक्टर n, और अगर इसमें किसी का नेगेटिव लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, माइनस m इधर होता है, ऐसे कहेंगे n का अपोजिट वेक्टर, m का अपोजिट वेक्टर, और n का अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ माइनस n, ठीक है, यही होगा। तो जब भी हम वेक्टर m है और n है और कोई m माइनस n पता करना है तो m में n को ऐड करना है, ओके। सो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, क्या है ये, क्या है, m एंड n, ओके। सो हमें m और n फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट और यू हैव, यू कैन से रिप्रेजेंट m माइनस n, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, सो एम माइनस एन को हम लिख सकते हैं एम प्लस माइनस, ये लिख सकते हैं। तो एम को एन में ऐड कर देंगे, उस नेगेटिव को एम में एन के नेगेटिव को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस। तो देखिए एम कहाँ है, यहाँ पर, एन का नेगेटिव यहाँ है, तो मिल क्या रहा है कि एम, देखिए ये एम ऐसे है और इसको हम ले आते हैं यहाँ, ठीक है, ये तो ये एम हो गया, ठीक। और एन यहां पर एन है और ऐसे आ गए एन को लेकर के, तो एन ऐसे है, ठीक है, एन ये माइनस है। तो जो ये मिलेगा आपको वही ऐड कर है ना, एम में माइनस एन को ऐड कर रहे हैं, वही तो एम माइनस एन है। तो ये आपको जो मिल रहा है यहां से यहां, ये वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, ये एम माइनस एन है, तो ये डिफरेंस बोल गया, ठीक। तो यहां ये भी हो सकता है कि एम प्लस एन का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा आ जाए और एम माइनस एन का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है। वो तो वेक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि उनका ओरिएंटेशन क्या, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के साथ ही हम ऐसा यूज करते हैं। जैसे अभी हम देख लें कि यहाँ पर अगर एम ये है, ठीक है, तो ये एम है और एन है, ठीक, ऐसा। तो M और यहाँ N, ये इनको ऐड करें। अब इनका रिजल्टेंट देखिए कैसा, देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है M माइनस N का मैग्नीट्यूड और M प्लस N, ये देखिए M प्लस N ये छोटा है, ऐसा। लेकिन हमें तो फिर ये करना था, और अगर हमें N माइनस M करना हो तो क्या करेंगे, तो N माइनस M, एन माइनस एम अगर करना हो तो वेक्टर एन प्लस माइनस एम, तब क्या ले आएंगे, देखिए ये माइनस एम है और एन तो वही है, लेकिन ठीक है। तो माइनस एम, देखिए यहां पर एन प्लस एन तो यहां है और इसमें माइनस एन ऐड कर लिया, तो n देखिए यहां पर n है, तो इसको हम ऐसे ही ड्रॉ कर दें, ये n, n है, ठीक है। तो n में आपको ऐड करना है माइनस एम को, तो माइनस एम तो यहां है, तो माइनस एम देखिए यही कुछ है, तो ये m है, एन यहां और ये क्या है, माइनस एम है, तो रिजल्टेंट क्या आया, एन माइनस एम का मिला रिजल्टेंट, देखिए ये। तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये एम माइनस एन इधर है तो एन माइनस एम इधर है, रिवर्स है, ठीक है ना, तो ये एन माइनस एम, ठीक। सो कंपेयर करें, तो ऑन कंपेयरिंग, ओके, इट लुक्स, क्या दिखता है कि जो m माइनस n है n माइनस m का अपोजिट वेक्टर है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर m माइनस n इज नेगेटिव ऑफ n माइनस m, यहां भी ये भी प्रूफ होता है, तो यही वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है।
तो याद रखिए इसको, ये छोटा सा पार्ट था ये सब्ट्रैक्शन का। तो हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोग तक पहुंचाइए। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, लोगों को मोटिवेट करिए कि चैनल से जुड़े और अपनी सलाह हमें ज़रूर दें ताकि हम अच्छे से इस काम को या इस मटेरियल को आप तक पहुंचा सकें। तो फिर साथ बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओके।